गाइस व्हाट्स अप आई एम द भाली वर्मा वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे बैकग्राउंड बहुत गंदा है। बेइज्जती कर दिया करो, सबको बता ही दिया करो कि मैं फोन से व्लॉगिंग करती हूँ, मेरे पास कैमरा खरीदने की औकात नहीं है, मेरी हद है यार। तो अभी वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था यू नो। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं घूमी घूमी करने, और पीछे वो बैकग्राउंड थोड़ा गंदा है, तो प्लीज इग्नोर दैट। हमारे पास कोई और बैकग्राउंड है नहीं, और मैं सफाई भी नहीं कर पाई हूँ दिवाली की बहुत ज्यादा, तो इग्नोर मारो। अगर मैं बात करूँ कि हम इस बैकग्राउंड में बात करें तो देखो पीछे उधर भी कपड़े हैं। अगर मैं बात करूँ इस बैकग्राउंड में करें तो देखो पीछे उधर पूरे से लगेज रखे हुए हैं, जैसे पता नहीं ट्रेन के लिए कहीं निकलने वाले हम। तो हमारे पास बैकग्राउंड बड़ा ही लिमिटेड है। अगर हम इधर की बात करें तो वाओ वो जो ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, बट पीछे जो टेप है ना वाइट, वो सब मेरे दोस्त की मेहरबानी है, उसने मेरे बर्थडे पे ये सब टेप लगाई थी बलून्स चिपकाने के लिए, तो वो आज तक छाप छोड़ गया है अपने प्यार की। मेरा उसके बाद वो गलतियां छिपाने के लिए इस सेम जगह पर बलून्स लगाए थे, तो ये एक मार्किंग बन चुकी है, जिसका भी बर्थडे होता है हम यहीं पे बलून्स लगाते हैं। ओके बाय द वे इट्स दिवाली, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और ये देखो मैंने कितनी प्यारी ड्रेस पहनी है, ग्रीन कलर की, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये बिंदी लगाई है ब्लैक, और मैं भी आज थोड़ी सी ब्लैक लग रही, क्योंकि कल था मेरा शूट, और शूट की वजह से हो गई है टैनिंग, और मैं कुछ खास कर नहीं पाई उसके लिए, टाइम लगता है टैनिंग को रिमूव करने में। सो जिन लोगों को नहीं पता कि टैनिंग क्या होता है, मैं बता दूं, धूप से जो कालापन आता है उसको हम टैनिंग बोल देते हैं अंग्रेजी में, बट कालापन तो कालापन ही होता है ना, मतलब अब मैं काला गोरा नहीं कर रही हूँ, तो मैं रंग भेद बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आई लव ऑल द कलर्स, तो हर कलर मुझे प्यारा है। इनफैक्ट मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था कि काले लोगों के फीचर्स ज्यादा सुंदर होते हैं, बट एक होता है ना कि डिसकलरेशन हो जाता है धूप की वजह से, तो मैं उसकी बात करूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे फोरहेड पर ये पैच, इसको हम टैनिंग बोलते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे 3 या 4 सिटिंग्स लेनी पड़ेगी, तो वो मैं जल्दी से लूंगी बट दिवाली के बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली, और खूब खुश रहो, मस्त रहो, बहुत सारी ढेर सारी ज्यादा मिठाई खा ली, बहुत सारी ढेर सारी मिठाइयां खाओ, और अगर डायबिटीज है तो उसका भी ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी खाना। तो गाइस लेक्चर हो गया बहुत लंबा, अब इसको कट कट करते हैं, क्योंकि दिवाली है, ज्यादा मैं बोलूंगी तो फिर आप लोगों को लगेगी पटाखे से भी इरिटेटिंग है इसकी आवाज, तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे रोक देती हूँ। और ये मेरे साथ गौरव आजा, क्यों मतलब आजा भाई नहीं है, मुझे 5 दे दियो। तो गौरव तो आ नहीं रहा है हमारी वीडियो में, कह रहा है यूट्यूब पे मैं नहीं आऊंगा, मुझे नजर वजर लग जाएगी इसलिए। हाँ यही बोला, तो देव आएगा 5 रुपए में, भाई आजा आजा बाप बन गए आजा यार 5 रुपए। वेलकम बैक टू माय चैनल दीपाली वर्मा, और आप देख रहे हैं दीपाली वर्मा व्लॉग्स। ओके बाय, मैं दूंगी अब तेरे 5 रुपए। हमने दिवाली पूज ली है थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हमें जाना है, तो बैठ गए हम कैब में, ऊपर करिए हमने, ओला महंगी होती है, ऊपर सस्ती बनी है। अच्छा ये भी नहीं बोल सकते यार, अपने मन की बात भी नहीं बोल सकते, बोलते रहते असली रीजन बताऊं, कहीं भी बोल ले, कुछ भी बोल ले। अच्छा असली रीजन बताती हूँ, ऊबर क्यों करे, ओला ओला वाले ना, ओला वाले रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, कई सारे 4-5 कैब ड्राइवर टकरा गए मुझसे। भैया पता है क्या होता है, हम बुक कर देते हैं, वेट करते हैं आधा आधा पौन घंटा, मतलब पौन घंटा समझते हो ना क्या है, हाँ वही 1 घंटे 15 मिनट का 1 घंटे में 15 मिनट कम, तू नहीं समझ पाएगा, मेरे व्यूअर समझ जाएंगे। पूरा पौन घंटा वेट करा कैब आई, फिर कहता है कि मैडम अब ना हम आपको आधे रास्ते छोड़ पाएंगे, उसके आगे पूरे रास्ते में ले जाना कान में लगाने के। क्योंकि हमें लेट हो रहा है और हम घर जाएंगे, 3-4 मेरे साथ ऐसे टकरा चुके ओला के थ्रू, तो इसलिए उबर इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस, सो दैट्स व्हाई अभी हम जा रहे हैं रास्ते में। और ये लड़के की शक्ल दिखाई ऐसे ही है, बस सिर दर्द कर देती है। अरे चुप रह, करनी भी नहीं आती ना। हाँ मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरी वीडियो मैं बनाती हूँ पर एडिटिंग मेरा भाई करता है, अपलोड भी वही करता है, तो भाई मेरा एक्सपीरियंस खराब था, दैट्स व्हाई आई शेयर वीडियो। आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, आपको ओला पसंद हो
सबके अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। बड़ी हाँ भैया भैया मैं YouTube वीडियो बनाती हूँ ना, इसलिए मैं पक पक करती हूँ ज्यादा। उन्हें चला लेते, परेशान मत करे तू, मेरी तो आत्मा खराब कर दिया कि तूने आत्मा खराब कर दी मैंने तेरी। बिल्कुल कर दी, गंदा बच्चा। मुझे अच्छा लगता है यार बोलना, मतलब मैं हर किसी से नहीं बोलती, बस अच्छे अच्छे लोगों से बोलती हूँ। ये आ गया मेरी वीडियो में खुद ही, और वहाँ पे बोल रहा मैं नहीं आऊंगा यूट्यूब पे। आ गया अब तो तू भाई, एक गाड़ी में बैठे है उसी में वीडियो चला के बैठ के तो सभी आएंगे ना। तू बहुत बोल रहा है बेटा। गाइस देखो मैं ना कुछ नहीं कह रही अभी, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, लगे रहो, देखते रहो, वीडियो अच्छी लगेगी आपको। बोरिंग मैं हूँ बोरिंग, आई एक्सेप्ट इट कि मैं बोरिंग हूँ। चलो एक्सेप्ट माय फेट। इसको मुझे एक बात कहनी है, मेरा बहुत प्यारा सा भाई है, इससे एक ही चीज कहनी है। भाई सुन ले, शट अप। यार यहाँ से ना कितना बढ़िया से एकदम सही सही आ रहा है ना सेट, एकदम पीछे का व्यू। हाय हाय, गोवा भी फेल है कभी। सारी बेइज्जती करते तू मेरे YouTube वीडियो पे, जो मुझे कुछ काम वाम भी मिलता है ना, सॉन्ग्स मिलते हैं या ये वो, सब कहेंगे यार ये तो है वही है, कुछ भी बोलती है। तुझे क्या लगता है वैसे गौरव, तूने मेरे सॉन्ग्स देखे हैं, कैसे लगते हैं तुझे को मेरे सॉन्ग्स? एल्बम सॉन्ग्स ठीक देते हो हैं? ठीक ठाक ठीक लगते तुझे मेरे एक्सप्रेशन? अरे जैसे हाथ पकड़ लिया एक दूसरे की आंखों में देख लिया वैसे वाले, तो मैं वो इजिली कर लेती हूँ क्योंकि मेरे अंदर इन बिल्ट है एक एक्टिंग वाला कीड़ा। बाय बाय, थैंक यू अंकल, हैप्पी दिवाली। मजा आ गया, अंकल पूरे रास्ते बात करते करते नहीं अभी नहीं उतारो। सो अभी हम आ गए हैं लिफ्ट में, चलो अभी सेकंड पे है। चलो रोली छिड़क दी, अब चावल इसी पे माथे पे लगा, हाँ लगा दे। चलो भगवान का वो दिख रहा है, हाँ चेहरा, हाँ दिख रहा है। अब वो ये मिठाई चढ़ा दे, पूरी पूरी, हाँ हाँ इसमें छन्नी में रख देना, हाँ वो जो तस्करी रखी इसी में रख देना। हाँ अब जल दोनों एक में खा, हाँ अब खील बता से, हाँ जल ऐसे ज्यादा नहीं, खड़ी चम्मच से निकालो, जरा से एक दो बूंद निकल आएगा बाहर ऐसे। अच्छा, हाँ जल छिड़क दो, जल हम आज विनियम समर्पयामि, आचमन करा दिया ना मिठाई खाने के बाद। चलो हो गया, आओ देव, हाँ ठीक है, ये माफी की। आ चल तू कर पहले, फिर वो करेगा। दीदी वीडियो बना रही है, दीदी व्लॉग बना रही है। तो अभी हमने कर ली है पूजा, जैसे कि आपने देखी है। अच्छा मेरे को ना एक डाउट था, मेरे को डाउट ये था, एक सेकंड पहले लाइटिंग देखती हूँ किधर अच्छी है, हाँ इधर अच्छी है। तो मेरे को डाउट ये था कि पता नहीं दिवाली की वीडियो बना के शेयर कर देते हैं या नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ अगर हम और लोगों के साथ शेयर करते ना तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती होती है, तो उन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है। सो दैट्स व्हाई, और मैं ना एक सूट रख के लाई थी, तो वो सूट मैंने कोई चेंज वेंज नहीं किया, मैंने यही पहन रखा है जो भी है, क्योंकि चेंज करने का मन नहीं था, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा था, और कपड़े बदलने में तो मुझे वैसे भी आलस आता है क्योंकि शूट पे ही छः छः सात सात बार कपड़े बदल लेते हैं, फिर हर बार ड्रेस चेंज करना, तो नॉर्मल लाइफ में तो ड्रेस चेंज करना बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज सा लगता है। सो दैट्स व्हाई मैंने यही कपड़े जो पहन के आई थी ना, वही कपड़ों में मैंने पूजा कर ली है। अब उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़े बहुत पटाखे चलाएंगे, देखते हैं जो भी है। स्टे ट्यून्ड। और हाँ, ये मेरा पहला दिवाली व्लॉग है, ये मेरा पहला दिवाली व्लॉग है, इससे पहले मैंने कोई व्लॉगिंग शेयर नहीं की है दिवाली की। लास्ट ईयर सेलिब्रेट नहीं करी थी, उससे लास्ट ईयर भी नहीं करी थी, और ये वाला व्लॉग है जो कि मैं शेयर करूँ दिवाली का। अदरवाइज होली व्लॉग में आप लोगों ने मेरा इतना ज्यादा पसंद किया, मतलब आज भी उस पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो
होली व्लॉग को पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है मेरे इस दिवाली व्लॉग को भी आप लोग जरूर पसंद करोगे, तो प्लीज प्लीज बड़ा सा लाइक कर दो और ढेर सारा प्यार दिखा दो कमेंट्स में, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन है जो उसको प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम मिल जाए ऑन टाइम। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके, डब्बा देना भैया, डब्बा दिखा दो तू लोगों को, कितना सुंदर है। मेरा ना दिल आ गया इस पे, तो मैं लेके जाऊंगी। दिल आ गया, दिल ये देखो, ये डब्बा इतना प्यारा है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स है और मैंने सारे खा के खत्म करने वाली हूँ उसको, क्योंकि मुझे ये डब्बा लेके जाना है। इसके अंदर मैं अपनी ज्वेलरी रखूंगी, अपने इयररिंग्स रखूंगी और बहुत प्यारा सा डब्बा दिखाऊं मैं आपको। देखो यहाँ से ये ओपन होता है, कोई खुल जाए यार, बेइज्जती ना करो। ये देखो ये सारे ड्राई फ्रूट्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने खाए हैं। तो ये सारे जो काजू बादाम थे ना, ये सब मैंने खाए हैं और मैंने ही खाए हैं क्योंकि मुझे इस डब्बे को लेकर घर जाना है, क्योंकि इस पे जो मोर बन रहा है ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और अभी हम पूजा करके आए हैं, खाना भी नहीं खाया, खाना खाएंगे हम दिया जलाने के बाद। और ये बैकग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है ना, वाओ, माई न्यू बैकग्राउंड। अच्छा है ना मेरा नया नया बैकग्राउंड। पर लाइटिंग थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी और ज्यादा ये चंदल है, ये चंदल लगला है, चंदल छा पाला छा लगला है। तो चलो अब हम चलते हैं दिए जलाने। सोशल एनिमल्स हैं, चावल लेंगे थोड़ा थोड़ा, चावल रखते हैं वहीं पे, खील थोड़ी थोड़ी वगैरह जरा सी डाल दो, एक एक दो दो खील, ये चलो खील खाओ, और एक का सिक्का किसी में डाल दो, सिक्का ले लो किसी में, पूजा पूजा जोड़ लो बस, सावा साथ भी। और नाखून ना जल रहा है इसका, बेटा पकड़ भी ले वे, कहाँ लेके चलना है बताऊँ। अरे यार, डन।